अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जलाए। इन पंक्तियों के साथ ही याद आता है चाचा नेहरू द्वारा भारत को विश्व का सिरमौर बनते हुए देखने का सपना, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, कुछ लोग सोचते हैं शिक्षा का महत्व उतना नहीं है जितना एक फैक्ट्री लगाने का। मैं कई फैक्ट्रियों के ना लगने की बात स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन लोगों को शिक्षा से वंचित नहीं देख सकता, क्योंकि यही वो लोग हैं जो फैक्ट्रियां लगाते हैं और जो हम चाहते हैं उसका उत्पादन करते हैं। बापू गांधी ने इसलिए बुनियादी शिक्षा के साथ साथ देशवासियों के सामने संकल्प रखा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को अवश्य पढ़ाए। यदि ये मालूम ना हो कि जी तोड़ मेहनत का सही मूल्य मिला भी है या नहीं, तो उस मजबूरी को क्या कहेंगे। उस मजबूरी का नाम है निरक्षरता। जितना वायु जितना पानी जीने के लिए आवश्यक है, उतना ही शिक्षा भी है। मेरी समझ में बिना शिक्षा के जीवन ही विफल है। हमारा संस्कृति में कहा गया है, लोग पढ़े लिखे नहीं तो वो पशु का समान है। का मतलब ये है जिंदगी में आप कुछ भी हासिल करना, उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता 15% थी, जो 1991 में 52% हो गई। लेकिन क्या ये लज्जा की बात नहीं है कि विश्व में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 95 करोड़ निरक्षरों में 28.07 करोड़ निरक्षर भारत में। आज साक्षरता का स्तर हमारे अपेक्षित लक्ष्य का लगभग 52% है। लक्ष्य से हमारा मतलब है हमारी जनसंख्या में 15 से 35 वर्ष की आयु के लोग। जो जानकारी हमारे पास है, हालांकि थोड़ी पुरानी है पर फिर भी काफी सही है, उसके हिसाब से हमारे अपेक्षित लक्ष्य में से 52% लोग साक्षर हैं और अन्य निरक्षर। साक्षरता का स्तर जो है वो 52% ही है, लेकिन सिर्फ ये बात कहने से बात साफ नहीं होती। आधी जनता आज अनपढ़ क्यों है? जब हमें स्वाधीनता मिला 1947 में सिर्फ 16% लोग साक्षर थे। उसके बाद से हर दशक में तकरीबन 8-8.5% लोग साक्षर होते गए, यानी साक्षरता का स्तर 8-8% बढ़ता गया। 16-17 से लेकर शुरू करके 4 दशकों में हम 52 तक पहुंचे। तो स्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ जितने अनपढ़ों की संख्या है वो भी बढ़ रहा है। पहले तो हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि काफी पिछले 10 सालों में काफी फायदा हुआ है और हमारी साक्षरता का रेट काफी बढ़ा है। इसका अगर आप परसेंटेज देखें तो काफी बढ़ा है, लेकिन हाँ एब्सोल्यूट नंबर जो है इलिटरेट का वो जरूर बढ़ा है बहुत ज्यादा। साथ ही इसका कारण ये है कि एक तो हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वो आमतौर से निरक्षर लोगों में ही ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। जो साक्षर लोग हैं उनकी फैमिलीज आमतौर से आप देखेंगे छोटी होती। निरक्षरता के दुष्परिणामों में सबसे प्रमुख है देश की आबादी का बेतहाशा बढ़ना। ज्यादातर अनपढ़ परिवारों में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम असफल हुआ है। ऐसे परिवारों की समस्या ये है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं या उन्हें पेट भरने का इंतजाम करने के लिए काम धंधे पर लगाएं। मन किसका नहीं करता जाने का, हर कोई ये चाहता है कि पढ़े लिखे हैं अच्छे आदमी बने। ये काम कर रहा हूँ मैं पैसे के लिए, ये चावल खाता हूँ, ये रोटी के लिए, ये काम मैं कर रहा हूँ, दुकान करता हूँ। पढ़ाई तो ये खाना थोड़ी मिल जाएगा मुफ्त में, खाना तो कमाने से ही मिलेगा ना। कोई देखने वाला नहीं होता इसलिए सीख लेते हैं अपने। अगर घर में एक लड़का और एक लड़की है तो
बाप माँ सोचते हैं कि लड़की को घर के कामकाज के लिए रोक लें, या जो रूरल फैमिलीज हैं गांव में, एक बाप सोचता है कि मेरा बेटा है मेरे साथ धरती पे काम करे, हल चलाए, जोते उस भूमि को। तो बच्चों को घर के लिए, कामकाज के लिए, आमदनी के लिए, रोजी रोटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी विडंबना है कि एक ओर दो वक्त की रोटी जुटाने की चिंता और दूसरी ओर अनपढ़ होने के कारण समाज में अपमानित होकर जीना। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, उनमें काम करने के औजार होना या कोई काम धंधा करना क्या दर्शाता है? जहां तक स्वयं पढ़ने की और अपने बच्चों को पढ़ाने की बात है, तो एक आम आदमी, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में, आज साक्षर होना चाहता है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि साक्षरता का अर्थ है आत्मनिर्भरता। साक्षर व्यक्ति को अपमानित नहीं होना पड़ता। हम रखते थे सत्यनारायण स्वामी का व्रत, और बच्चे हमारे थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, कभी पढ़ाते थे और कभी वो भाग जाते थे। तो मेरे को मन में बड़ा ख्याल आता था कि अगर आज हम पढ़े लिखे होते तो हम कुछ तो पढ़ के भगवान का नाम तो लेते। हमने इसलिए सोचा कि हम भी पढ़े। सबको देखे पढ़ते हुए तो मैं भी गया, मैं भी पढ़ूंगा, तो बोले पढ़ लो आ जाओ, तो मैं आने लग गया। महसूस हुआ कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो मतलब बस वगैरह में जाने के लिए बस के नंबर देखना पड़े, राशन में जाके लाइन लगाना, उसमें साइन करना, ये दिल में मतलब महसूस हुई। अगर कोई पढ़ने पढ़ाना आएगा तो हम जरूर पढ़ेंगे। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाई, जिंदगी सुधर जाती। ये जानते हुए भी कि पढ़ने से जिंदगी सुधर जाती है, परंतु पेट भरने की चिंता उनके पढ़ने की उमंग और उत्साह को बरकरार नहीं रख पाती। हमारी नीतियां क्या कहती हैं? मुफ्त शिक्षा, मुफ्त किताबें कापियां, स्कूल में मुफ्त भोजन की व्यवस्था करने के बावजूद एक बड़ी संख्या में बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को, स्कूल के बाहर रहने से रोका नहीं जा सका। मतलब ये कि जब उन्हें कक्षाओं में होना चाहिए, जब उन्हें अध्यापक के साथ पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, वो स्कूल के बाहर क्यों होते हैं? जो बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके माँ बाप ये समझते हैं कि उनकी पढ़ाई से कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा करिकुलम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि उनको बेनिफिट्स, कुछ उसके लाभ नज़र नहीं आते पढ़ाई के। वो सोचते हैं पढ़ता ही चला जा रहा है। आप देखिए कि एक बच्चा है, गरीब रैग पिकर का बच्चा, वो स्कूल जा रहा है, उसको अगर हम प्रॉपर जो और बच्चों को हम करिकुलम पढ़ा रहे हैं वही अगर हम पढ़ाते हैं तो उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, और उसके पेरेंट्स उसको वापस, मतलब इस तरह के बच्चे बिल्कुल जैसे वापस खींचना, पुल्ड आउट ऑफ स्कूल। फिर हमारे करिकुलम में भी सुधार की बात हो रही है लगातार। आप देखेंगे एनसीईआरटी वगैरह में कि नॉन फॉर्मल में दूसरी तरह करिकुलम होना चाहिए, फॉर्मल में दूसरा, और करिकुलम वही होना चाहिए जो आवश्यक है। ज़बरदस्ती हर एक को सब कुछ पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या ये नहीं है कि उनके पढ़ने लिखने की इच्छा को बनाए न रखा जा सका अनावश्यक विषयों का बोझ लादकर, और बुनियादी शिक्षा न देकर उनकी इच्छा को मार नहीं दिया गया? अगर हम एजुकेशन पॉलिसी को इंडिपेंडेंस के बाद से देखें तो ज्यादातर कंसंट्रेशन हमारा रहा है हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। हमने बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, बड़े बड़े कॉलेज हमने तो तैयार कर दिए। लेकिन जब आप प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो हर चार बच्चों में से दो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं क्लास 3 या 4 से पहले। हमने इतने भी स्कूल नहीं बनाए जो सारी जनता के लिए उपयुक्त हो या सफिशेंट हो। तो प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा की मैं बात कर रहा था, इसमें हमने उतना जोर नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। और इसको बदलने के लिए
हमारी सरकार इसी सेशन में एक बिल ला रही है जिसमें प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य हो जाने पर प्रत्येक बालक का पढ़ना लिखना तो सुनिश्चित हो जाएगा, लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। इन बंद पड़े स्कूलों और इनकी जर जर हो रही इमारतों से एक और तस्वीर दिखाई देती है। टीचर तो यहाँ बस ऐसे आते हैं, मतलब ये पढ़ाने के लिए। अपना टाइम मिल गया स्कूल 7 बजे का, आए 10 बजे तो आधे बच्चे मिले आधे नहीं मिले। हमारे यहाँ एक प्राइमरी पाठशाला है जिसमें टीचरों की अनियमितता के कारण, एब्सेंस के कारण बच्चे की बहुत भी कम है। और उन मैंने कई दफ़े कोशिश की है, प्रिया DM से मिला हूँ, स्पेशली कि हमारे वहाँ टीचरों का ठीक नहीं है, वो एब्सेंट ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 3 टीचर हैं उसमें कभी एक आ जाता है कभी एक भी नहीं आता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मई 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई, ताकि पूरे देश को साक्षर बनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाए जाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य था कि सन 1995 तक 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी लोगों को साक्षर बना दिया जाए। पर क्या साक्षरता के कार्यक्रम में पूरी तरह से सफलता प्राप्त हुई है? इस मिशन ने सफलताएं भी बहुत सारी हासिल की हैं, कुछ असफलताएं भी हैं। आज अगर आप नेशनल लिटरेसी मिशन को देखें तो देश के तकरीबन 500 जिलों में से 430 जिलों में हम काम कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि साक्षरता का जो पहला इनकरेजिंग फेज था वो केरल से शुरू हुआ था और वहाँ हमें बहुत सारी सफलताएं हासिल हुई थी। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर भारत की ओर आए और जहाँ आप जानते हैं कि रूढ़िवादी लोग ज़्यादा हैं, जहाँ सामाजिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ औरतों के प्रति जो मनोवृत्ति है वो सबको मालूम है, आपको भी और हमें भी, तो इन वजहों से हमारी जो गति थी वो उसमें काफ़ी सारी रुकावटें आ गई हैं। लेकिन फिर भी आज भी मैं समझता हूँ कि साक्षरता का काम हर एक ज़िले में काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा। केवल यही काफ़ी नहीं है कि बच्चे को जैसे तैसे स्कूल भेज दिया जाए, जरूरी है कि वो निरंतर स्कूल जाता भी रहे। इसकी जिम्मेदारी माता पिता पर तो है ही, साथ ही हमारे युवा वर्ग की भी है। 50 वर्ष पूर्व भारत ने राजनीतिक आजादी पाई थी, लेकिन आज वो निरक्षरता रूपी परतंत्रता की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। जिस प्रकार देश की आजादी के लिए शहीद भगत सिंह जैसे युवकों ने अपना योगदान किया था, क्या आज का शिक्षित युवा वर्ग देश को निरक्षरता से आजादी दिलाने के लिए अपना योगदान नहीं करेगा? अवश्य करेगा। जरूरत है कि केवल उन्हें अपने दायित्व का एहसास हो जाए। दिल्ली सरकार का कहना है कि यदि उन्हें कॉलेज के विद्यार्थियों का सहयोग मिल जाए तो वो हमारी राजधानी को 6 से 8 महीने में पूरी तरह साक्षर बना सकते हैं। पर क्या कारण है कि आज का युवा वर्ग अपने इस दायित्व को निभाने में असफल है? टाइम नहीं उनके पास, अपना सब मस्त रहना जाते हैं, मूवी देखी, घूम लिया, कॉलेज में आश कर ली, किसी को किसी से मतलब नहीं रह गया आजकल, कोई देखता देश के बारे में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। Everybody is there to support. We have done our bit. The thing is, the government will only say we need 40,000 people support, 50,000 people support. That's not the case. People are there to support, but they're not doing it the right way. The government isn't doing their job properly. ये तो हमारी responsibility है कि हम किसी को पढ़ाएं, लेकिन ये होता है कि एक अपनी ego होती है कि ये servant है और हम बड़े हैं, upper class and lower class. Main difference is this. कोई आए मेरे पास, किसी को आना चाहिए ना मेरे पास, किसी को आना, जिसको पढ़ना है, he has to come to me. पहली चीज़ तो ये है कि पहले अपने कदम मजबूत होने चाहिए, ऐसे मजबूत ना हो, मतलब इतना कमजोर ना हो कि खुद लड़खड़ा जाए। पहले अपने कदम मजबूत होंगे तभी तो दूसरे का बोझ गर्दन पर सह पाएंगे हम। अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं कि अपनी लाइफ को किसी तरह से भी अच्छा करें, ठीक है, अपने लिए कोर्सेज वगैरह ज्यादा करते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं या इलिटरेट जितने भी हैं उनको, उनके ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाते ज्यादा। स्टूडेंट कॉलेज में आते हैं
उसके अंदर कुछ एम्बिशन होता है, कुछ कैरियर ओरिएंटेड एम्बिशन होता है। सबसे पहले अपना कैरियर बनाने पर ध्यान देते हैं, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते। यूथ का पार्टिसिपेशन दिल्ली का अभियान में, साक्षरता अभियान में बहुत कम है। और हमने बहुत कॉलेज प्रिंसिपल से बात किए हैं और यूथ एसोसिएशन से बात किए हैं और NSS वॉलंटियर्स कॉलेजेस में एड्रेस किए हैं। इसके बावजूद हमारा उन लोगों का, यूथ का पार्टिसिपेशन, कॉलेज स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन मिनिमम है। तकरीबन 200 से 250 लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन हमको चाहिए 2 लाख वॉलंटियर्स चाहिए पढ़ाने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वॉलंटियर क्या उस शिक्षित युवा वर्ग से आएंगे जो केवल अपने बारे में ही सोचता है और साक्षरता अभियान से ना जुड़ने के लिए अपने पास समय ना होने का बहाना करता है? दूसरी ओर एक ऐसा युवा वर्ग भी है जो दीप से दीप जले की कहावत चरितार्थ कर रहा है। स्वार्थ और निस्वार्थ भावनाओं का यह कैसा दृश्य है? जो भी हो, इससे ये तो सिद्ध होता है कि शिक्षित युवा वर्ग को निरक्षर वर्ग के अपने आसपास होने का एहसास है। मेरे को पढ़ाने का शौक था, फिर मुझे पता चला कि अनपढ़ औरतों को पढ़ाना है। मैं बोले चल हम भी कुछ इसमें काम कर लें कि इन अनपढ़ औरतों को पढ़ा दें। ये थोड़ा कि राजनीति लोग ये काम कर सकते हैं और आम लोग, आम जनता भी ये काम कर सकते हैं कि औरों को पढ़ाए। ये थोड़ा कि राजनेता जो नेता है वही सब कुछ करे, आपस में भागीदारी से सारा काम बन सकता है। जब मैंने अपने साथियों को देखा पढ़ाते, मेरा मन भी करा कि अगर मैं भी पढ़ाऊँ तो कितना अच्छा होगा। एक इस पढ़ाने में बहुत मजा आता है कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं, अपने द्वारा हम किसी का कुछ कर सकते हैं भला। और मैंने ये देखा कि जहाँ मैं रहती हूँ उसके पीछे एक झुग्गी है, काफ़ी लोग अनपढ़ हैं वहाँ पे और उनको बहुत परेशानी होती है, उस मतलब अनपढ़ता के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत अनपढ़ हैं तो शायद मुझे इसी मोहल्ले में पढ़ाना चाहिए, जिससे कि मैं उन्हें पढ़ा के उन्हें थोड़ा और आगे बढ़ा सकूँ। हमारे वहाँ आस पड़ोस के महिलाएँ जो थी वो निरक्षर थी, मैंने उनसे बातचीत की कि आप लोग मेरे से पढ़ना चाहेंगे, उन्होंने कहा ठीक है। फिर थोड़ा इंटरेस्ट करके मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। जो नारा कुछ समय पहले दिया था, प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को साक्षर करे, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। और हमें यकीन है कि आप लोगों को ये पता होगा कि ऐसे कई स्कूल एवं कॉलेज के छात्र हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अभी भी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इस अभियान में जुड़े हुए हैं। मुझे अच्छा लगता है, जैसे हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं तो दूसरों को कुछ ना कुछ तो फायदा आना चाहिए। अब आप एक बात ले लो, आपने पढ़ा है जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, अगर आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं तो केवल एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, अगर आप एक औरत को पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार पढ़ता है। आपका थोड़ा सा योगदान किसी का जीवन जीने योग्य बना सकता है और इस प्रकार पूरा समाज इस साक्षरता अभियान में भागीदार बन सकता है। निरक्षर होना या अंगूठा लगाना पाप नहीं है, पाप है लोगों को निरक्षर बने रहने देना। अपनी पूरी जिंदगी के केवल 3 महीने से लेकर साल भर तक का समय ही निरक्षरों को साक्षर बनाए जाने के लिए काफी होगा। ऐसा नहीं है कि वॉलंटियर्स की कमी है हमारे देश में, काफी लोग, और जहां तक साक्षरता अभियान का सवाल है ये तो वॉलंटियर्स पे ही चल रहा है। जो भी हमारी सफलता मिल रही है, 50% या 30% या 70%, वो सब वॉलंटियर्स की बेसिस पे मिल रही है, क्योंकि हमारे इसमें है कि पैसा कुछ भी नहीं देना है। अब इसमें बहुत सी मिसालें ऐसी हैं, जैसे कि आप बहुत सी हाउसवाइफ्स को देख लेंगे कि वो अपने घरों से उठ के आई हैं, बाहर निकल करके उन्होंने साक्षरता अभियान में लाभ पहुंचाया है। मेरे को बहुत परेशानी हुई, जैसे मैं पढ़ाने जाती थी, जब रोटी नहीं बनती थी टाइम पे तो बच्चे रोते थे और ये भी बोलते थे तुझे इतना शौक है और तू बच्चों का ध्यान करती नहीं है। तो फिर मैंने कहा थोड़ी मदद आप किया करो, तो ये बोलते ठीक है तो मैं आपकी मदद करूँगा। तो ये मेरी हर तरह मदद करते। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था और मैं भी मतलब इतनी ज़्यादा तो पढ़ी नहीं कि भाई किसी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लग जाता, तो मैंने सोचा कि चलो जितना मैं पढ़ी हूँ उतना ही इन लोगों को पढ़ाऊँ। साक्षरता अभियान हम लोग पेपरों में पढ़ते थे कि 1972 से चल रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। तो 1995 में मैंने भी एक मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग ली 5 दिन के लिए और मैंने सोचा कि मैं इस अपने एरिए में
जो कि मेरा सागरपुर क्लस्टर एरिया है, तो उसको मैं ये काम करके दिखाऊंगा। और ये मैंने अपनी ट्रेनिंग में प्रण लिया था कि मैं अपने सागरपुर को पूरी दिल्ली के अंदर साक्षर करके दिखाऊंगा। तो मेरा मन दुकान में कम के और उधर ज़्यादा लगा हुआ। मैं बिहार में गई थी, वहाँ दरभंगा ज़िले में मैं एक महिला से मिली, बहुत गरीब, फटी हुई धोती और सब कुछ, लेकिन उसने कितनी हिम्मत से इस साक्षरता अभियान में काम किया है कि उसके खिलाफ उसका पति हो गया, वहाँ के सरपंच हो गए और उसके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। क्योंकि साक्षरता अभियान में तो उसको काफ़ी बाहर भी जाना पड़ता है, लोगों के घरों में जाके सबको बुलाना मनाना ये सब, तो उन्होंने इसके खिलाफ इतना किया, लेकिन वो महिला मानी नहीं, रुकी नहीं, वो अपने काम में आगे लगी रही और उसके साथ 3-4 महिलाएं और आ गईं। बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या बिना यूथ के सहयोग से ये मिशन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं समझता हूँ कि सारे देश को अगर आप देखें तो कई जगहों में अच्छा पार्टिसिपेशन हमें मिला है और कईयों में बहुत कम भी मिला है। जहाँ जहाँ मिला नहीं है वहाँ हम असफल हुए हैं, और जहाँ कम्युनिटी बढ़ के आई है, यूथ का कोऑपरेशन हमें मिला है, वहाँ ये मिशन का काम दौड़ दौड़ कर आगे बढ़ चुका है। अज्ञानता और गरीबी का चोली दामन का साथ है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और निरक्षरता सिक्के के दो पहलू हैं। पढ़ना लिखना सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने के लिए कोई खास वक्त तय नहीं होता और पढ़ाई लिखाई के लिए किसी खास जगह की जरूरत भी नहीं होती। तो फिर जरूरत किस बात की है? जरूरत केवल लोगों में यह विश्वास जगाने की है कि वो साक्षर हो सकते हैं, और इस विश्वास की ज्योति तभी प्रकाश दे सकती है जब शिक्षित वर्ग अपने मन से स्वार्थ को थोड़ी देर के लिए परे छिटक दे, ताकि वो समझ सके कि साक्षरता वो अनमोल उपहार है जो जितना दूसरों को दिया जाएगा उतना ही वो बढ़ता जाएगा। किसी दूसरे की जिंदगी संवार देने से जो खुशी हासिल होती है, क्या उसका वर्णन किया जा सकता है? जरा सोच कर देखिए। काम को ही देखते रहेंगे तो फिर ये ऐसे ही रहेंगे। अगर हम काम को ही देखेंगे फिर ये बेचारे पढ़ेंगे कैसे? भारत हमारा है, भारत हमारा है, लेकिन कुछ करना तो चाहिए ना। भारत में अगर अनपढ़ है तो आप सब चाहेंगे कि वो साक्षर हो, तो इसलिए पढ़ाइए। आज शिक्षित वर्ग हैं, उनको अगर जिंदगी में वो खाते हैं, अगर जिंदगी में वो कुछ काम करते हैं, अगर जिंदगी में वो कोई धर्म करते हैं, हमारे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है दूसरे को शिक्षित करना। अगर किसी अनपढ़ को हम शिक्षित कर देते हैं तो मेरा सबसे बड़ा धर्म होता है। मुझे कोई मक्का मदीना, मुझे कोई हरिद्वार और ऋषिकेश जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को साक्षर बनाने से जो शांति मिलती है, क्या वो किसी धर्म स्थान में जाने से कम है? जब ऐसा है तो साक्षरता अभियान को अपना धर्म समझने और पुनीत कर्तव्य समझने में हर्जी क्या है? आइए हम सब इस बारे में चिंतन मनन करें और देश को निरक्षरता की गुलामी से आजाद कराने का संकल्प लें। जब तक हर एक इंसान नहीं पढ़ेगा, कितना भी पढ़े लिखे लोग हैं उस एरिया पर रहेंगे तो वो भी एक किस्म से अनपढ़ है और अनपढ़ बन जाएंगे। साक्षरता के काम के लिए आप लोग आगे बढ़कर आएं, हमारे इस मिशन को सहयोग दें। हम दोनों अगर हाथ बढ़ाएं, हाथ पकड़ें, तो इस पवित्र काम को हम बहुत अधिक गति से आगे ले जा पाएंगे। क्या हम कह सकते हैं वास्तव में हम स्वतंत्र हुए हैं, डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री में? और कब तक नहीं होगी? जब तक सारे लोग साक्षर नहीं होंगे। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर सब तरफ उल्लास है, खुशी है, चमक दमक है, और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने का समय है। यही समय है अपनी कमजोरियों पर चिंतन मनन करने का। निरक्षरता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके रहते हमारी बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी छोटी लगने लगती है।
निरक्षरता से जुड़ा है प्रति व्यक्ति कम आय का होना, परिवार को सीमित ना रखने की नासमझी और आम आदमी तक विकास योजनाओं का लाभ ना पहुंच पाना। तो फिर हम संकल्प करें कि प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य ही साक्षर बनाए।